हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कितना शानदार जो है नज़ारा आप लोग को आसमान में दिख रहा होगा। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सफ़र के लिए चाहूँगा नेशनल हाईवे 31 पे, NH 31 पे। भारत का एक राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह उन्नाव यूपी से शामसी पश्चिम बंगाल तक जाता है और इसकी कुल लंबाई 968 किलोमीटर है और 601 मील इसकी कुल लंबाई है। और प्रमुख जंक्शन की अगर मैं बात करूं तो पश्चिम में जो है उन्नाव उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल में आप लोग को शामसी पश्चिम बंगाल देखने को मिलेगा। और देख सकते हैं कि ये NH कितना शानदार जो है लग रहा है देखने में। और जब ये NH बना नहीं था तो काफ़ी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता था जो भी इस NH के तरफ से जाते आते थे। तो अगर मैं बात करूँ तो इसका स्थान राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मुख्य अंतर्गत जो है उन्नाव, लालगंज, रायबरेली, सलोन, प्रतापगढ़, मछली शहर, जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, छपरा, हाजीपुर, पटना, बख्तियारपुर, मोकामा, बेगूसराय, खगड़िया, बीरपुर, कोटा, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, हरीश चंद्रपुर, खानतरा, चंचल, शामसी, ये सारी जगह जो है आप लोग NH 31 से होते हुए जा सकते हैं। और NH 31 जो है अपने आप में काफ़ी ही शानदार हाईवे, और इस हाईवे के जो है बन जाने से काफ़ी ही आप लोगों को सहूलियत होगी। इन जो भी मैंने जगह के नाम लिए वो जगह पे जाने में आप लोग को काफ़ी ही टाइम का जो है बचाव होगा, समय का बचाव आप लोगों को होगा NH 31 के जो है बन जाने से। और काफ़ी ही सुंदर सा नज़ारा, और दोनों तरफ के बीच में जो है यहाँ पे फूल का जो है गाछ वृक्ष भी, पेड़ पौधा भी लगाने का व्यवस्था किया गया है। लेकिन जो है ये भैया बिहार है तो यहाँ पे कुछ तो है फ्री में लगने वाला है नहीं। यहाँ पे जो है गाय और घोड़ा जो है आप लोग को चढ़ते हुए दिख जाएगा। और काफ़ी ही यहाँ पे जो भी पौधे उधे लगे हुए हैं उसको भी नष्ट करके जो है खिला दिया जाता है। तो ये सब नहीं करना चाहिए, ये सब पे ध्यान रखना चाहिए। जिनके भी घोड़े और गाय बकरी रहते हैं थोड़ा सा सोचना चाहिए, जो वायु रहेगा वायु में जो है हवा का प्रदूषित ना हो, इसलिए वृक्ष का लगना ज़रूरी है।